रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्ड। आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेगा, जिसका नाम रोकी है। तो इसने हमें संपर्क किया हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, हमारी वीडियोस देखी, इनको अच्छी लगी हैं, तो ये अभी अपना फीडबैक भी बताएगा जिस कंट्री के अंदर है कि वहां पर आने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या वहां पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसने मुझे इसलिए संपर्क किया है, ये चाहता है कि मैं यहाँ से किसी और अच्छी कंट्री में चला जाऊं। तो इसकी क्वेरी भी लेंगे, इसकी प्रोफाइल भी डिस्कस करेंगे। तो मैं ऑलवेज कोशिश ये करता हूं कि जो बढ़िया इंफॉर्मेशन रहे, जो बढ़िया जूम मीटिंग हो, मैं अपने क्लाइंट्स तक लाऊं, अपने व्यूवर्स तक लाऊं, ताकि वो हमारे व्यूवर्स भी इस तरह की मिस्टेक ना करें फ्यूचर में। वो अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं, अपना इंपॉर्टेंट टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि मुझे पूरे वर्ल्ड वाइड कंट्री से स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट करते हैं, उनके पेरेंट्स कॉन्टैक्ट करते हैं फॉर फर्दर अपॉर्चुनिटीज के लिए, फॉर वीजाज के लिए। तो हमारे चैनल के ऊपर कम से कम 1400 से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोज हैं, तो अगर आप उनको भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर आप ब्रोज करके देख सकते हैं। रोकी जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में, मेरी तरफ से आपको नमस्कार है। जी शुक्रिया। रोकी जी, सबसे पहले ये बताइए कि अभी आप कहाँ पर हैं? हम यूएई में है। अच्छा, यूएई में हैं आप। यूएई में कौन से, यूएई के अंदर तो 7 एमिरेट्स हैं, आप कौन से एमिरेट्स के अंदर हैं? शारजा में। हाँ, शारजा में है, वेरी गुड। तो रोकी जी, बात स्टार्ट करने से पहले एक जनरल आपसे फीडबैक जरूर लूंगा, जैसे बाकी भी लोगों से लेते हैं। आप ये बताइए कि हमें कहाँ से फाइंड आउट किया आपने? व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप पे तो हम आते नहीं है, व्हाट्सएप पे कैसे फाइंड आउट कर लिए? नहीं, यूट्यूब में वीडियो देखे, उधर से नंबर लिया, उसके बाद आपको व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट किया। तो हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं आप? वही एक दो महीने से। एक दो महीने से हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो जो वीडियोस देखते हैं कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छी लगती है। तो क्या लगता है कि उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन जो हम डालते हैं वो सच्ची फैक्ट वाली इंफॉर्मेशन, सच्चाई वाली इंफॉर्मेशन डालते हैं, जो बस वैसे ही गप्पे मारते रहते हैं सिर्फ अपने पैसे के चक्कर में? नहीं, आप सच्चाई बताते हैं, इसीलिए तो आपसे हम कांटेक्ट किए हैं। चलो ठीक है, तो आप बेसिकली कौन सी कंट्री के रहने वाले हैं? कंट्री कौन हम सी? बेसिकली नेपाल से। नेपाल से। हाँ, नेपाल सिटीजन है। नेपाल में कहाँ से? लुम्बिनी से। अच्छा, रूपंदेही जिला है। तो वहां पे महात्मा बुद्ध को जानते हो? एकदम, हमारा घर ही वहीं पे। मैं वो क्यों पूछा आपसे, मैंने किस कारण पूछा लुम्बिनी के बारे में? आपने नाम लिया तो मैंने महात्मा बुद्ध जी का नाम लिया, तो उसके पीछे कुछ रीजन है, क्या रीजन हो सकते हैं? अब पता नहीं। तो हमारी वीडियोस अच्छी तरह देखते हो? हाँ, एकदम अच्छे से देखते हैं। तो उसके ऊपर एक लोगो लगा होता है कोई, मैंने उसके ऊपर एक श्लोकन लगाया हुआ है अपनी वीडियो के ऊपर, क्या लगा लिखा होता है? आपने बहुत दिनों से हमारी वीडियोस देख रहे हैं, नहीं पता? अभी उतना ख्याल नहीं किए। वो भी ख्याल करा करो, जैसे वीडियोस देखते हैं। तो एक मैंने श्लोगन परमानेंटली वहां पर लगाया था, वो जो श्लोगन है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू अपने महात्मा बुद्धा जी, उनसे रिलेटेड है। तो दैट रीजन आई एम पुटिंग दैट लोगो देयर। तो अभी नेक्स्ट टाइम में उसको भी जरूर देखिए। चलो, अभी हम आपकी क्वेरी के ऊपर आते हैं। सबसे पहले आप मुझे अपनी प्रोफाइल के बारे में बताएंगे, आपकी एज कितनी है? मेरी एज 22 है। 22 है, तो आपकी एजुकेशन बताएंगे, हाईएस्ट एजुकेशन को क्या है आपकी? प्लस टू क्लियर है, उसके बाद बैचलर के लिए इधर दुबई में आए। प्लस टू में आपके कितने परसेंटेज हैं? 3.21 GPA। 21 GPA out of 5 है या 4 है? 4 है, out of 4। यार इतना बढ़िया लिया हुआ है। कौन सी स्ट्रीम में 12th की हुई आपने? साइंस। नहीं, नॉन मेडिकल, मेडिकल के साथ साइंस में दो चीजें दोनों। अच्छा, दोनों बायो। अच्छा, बायो मैथ दोनों है। हाँ। आपका बोर्ड कौन सा है? NEB, नेपाल एजुकेशन बोर्ड। नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड।
अच्छा नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, बहुत बढ़िया। तो अभी यहाँ पर आप बैचलर कौन सी करने के लिए आए हैं? आईटी बैचलर ऑफ आईटी। आईटी पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? फार्मर है। फार्मर है। देखिए अपना रोकी जी, सबसे पहले मैं ये बताऊं, अगर आप मुझे गलती से कांटेक्ट कर लेते पहले, दो कितना टाइम हुआ यहाँ आए? अभी आज 11 दिन हुआ। 11 दिन हुआ। आप गलती से मुझे पहले कांटेक्ट कर लेते हैं, आने से पहले 2 महीने से वीडियोस देख रहे हैं मेरी, तो मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप दुबई में आए। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं बीइंग एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ, मैं फॉरेन की 100 कंट्रीज के साथ डील करता हूँ, यहाँ पर मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजता हूँ। जैसी आपकी प्रोफाइल है, कभी भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप यूएई में जाएं। चलो एनी हो, अभी मैं ये नहीं पूछूंगा यहाँ पे कौन से कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटीज में हैं, यहाँ पर तो इंडियन यूनिवर्सिटीज भी हैं, फॉरेन की यूनिवर्सिटीज भी हैं, लोगों ने लोकल कॉलेज भी खोले हुए हैं, वहां के लोकल यूनिवर्सिटीज भी हैं। तो अभी पता नहीं आप कौन किसके ट्रैप में आए हैं और क्यों आए हैं। एनी हो, अभी ये बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मतलब हम यूएई से दूसरे कंट्री, मतलब यूरोप के किसी कंट्री में ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं। यूएई में इतने पैसे खराब कर दिए अभी इतने, यहाँ पे आपको मालूम है यहाँ पे वीजा वीजा की फीस जो आपके यूनिवर्सिटी ने ली होगी वो 1200 से लेकर 1500 यूएस डॉलर सिर्फ वीजा वीजा की फीस ली होगी आपसे, सिर्फ वीजा की। पता है आपको यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है वहां पे पर सेमेस्टर या पर ईयर? $3870। इट मीन आप यहाँ पे आप किसी कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में नहीं है? कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है? यूनिवर्सिटी में है। यूनिवर्सिटी में है। आपको जो डिग्री मिलेगी वो यूके बेस्ड मिलेगी या वहाँ की लोकल मिलेगी या इंडिया की मिलेगी? यूके बेस्ड डिग्री मिलेगी। समझ गया, उनके कैंपस है। चलो आ गए हैं, मैं ये नहीं कहता $3800 में आए हैं, कॉलेज के अंदर आए हैं $3800 में तो पता नहीं। चलो ऐसी हो, तो अभी यहाँ पे दिल क्यों नहीं लग रहा है आपका? अभी आ तो गए हैं, क्या प्रॉब्लम आ गई? जॉब मिलने के लिए मुश्किल है और इधर काम मुश्किल हो रहा है और इधर से काम करके हम लोग ट्यूशन फी नहीं पे कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो आपकी माने, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वर्किंग तो अलाउ ही नहीं है, आपको मालूम है ये दुबई के अंदर? जी मालूम है। तो आपके एजेंट ने बताया था वहां जब आने से पहले? नहीं बताया था। उसने क्या बताया था? मिलेगा, आईडी बन जाएगा, 1 महीने लगेगा, उसके बाद जॉब मिलेगा। अभी ये देखिए, मैं जितने भी व्यूअर जो भी मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट सुन लीजिए, मैंने फिर बताया मैं कभी भी बैड इंटेंशन से किसी से भी पैसा लेना नहीं चाहता, सुन लीजिए मेरी बात। अगर मैं कोई मुझसे काउंसलिंग चाहता है, काउंसलिंग में क्या बेनिफिट होना था आपको? जो बेनिफिट होना था, आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम और ये लाखों रुपए बचाने थे अगर आप मुझे 5,000 या 10,000 रुपया काउंसलिंग का दे देते। बाकी व्यूवर्स को भी मैं यही बता रहा हूँ, मेरे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं, मेरा डेडिकेटेड नंबर इसे स्क्रीन के ऊपर चलता है, प्रोफाइल भेजेंगे, मैं आपको ऑप्शंस बेस्ट टू बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। आपका बजट है तो आप उसमें प्रोसीड करें, आपको कभी भी गलत कंट्री में भेजने की कोशिश नहीं करूंगा जहां पर मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिले, जहां पर आपको 100% वीजा मिले, जो आपके साथ हुआ है। बट लोग ये चाहते हैं, सर आप तो बात नहीं करते, सर हमारे व्हाट्सएप का मैसेज का जवाब नहीं देते, सर आपकी फीस बहुत ज्यादा है। तो देख लीजिए, फीस ज्यादा है, व्हाट्सएप का जवाब नहीं देते, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, तो इसी जैसा रिजल्ट मिलेगा जो अभी रोकी के साथ हुआ है। समझने की कोशिश करें, ऐसे मेरे पास लाखों केस हैं, हजारों केस हैं, जो स्टूडेंट्स मुझे फोन करते हैं बट सिर्फ उनके अंदर शाही है, वो शर्माने के कारण हमारे साथ चैनल के ऊपर नहीं आ पाते। और मुझे हर कंट्री से बच्चे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स कॉन्टेक्ट करते हैं और मेरे पास बहुत सारा फीडबैक रहता है, उन्हीं से मैं नॉलेज लेता हूँ, इस वीडियो के थ्रू भी मैं नॉलेज लेता हूँ, इससे भी मैंने नॉलेज ली है, यही नॉलेज के हम पैसे क्लाइंट से और स्टूडेंट से लेते हैं। चलो रोकी जी, एनी हो, अभी अभी जो आप यहाँ पे बीटेक करने के लिए आए हैं या बीएससीआईटी? बीएससीआईटी। बीएससीआईटी करने के लिए आए हैं। तो देखिए आपकी प्रोफाइल तो इतनी बढ़िया है, आपके 90% मार्क्स हैं, 90% से ज्यादा ही हैं 12th में। तो आपने देखिए क्या ये किया, आपके लिए मैं 2-3 चीजें ऑप्शंस प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको ये यहाँ से बताऊंगा कंट्री। देखिए
ये है जैसे आप यहाँ पर आ गए, यहाँ वर्किंग अलाउ नहीं है, परमिशन लेनी पड़ती है वर्किंग के लिए यहाँ पे। तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता दुबई में जाने के लिए किसी को कि पढ़ने के लिए वहां जाओ, बट लोग क्रेजी हैं जाने के लिए। मैं कहा ठीक है जाना तो भेजूंगा। सबसे पहले मैं आपका एक स्कॉलरशिप के लिए केस डालूंगा, कंट्री है मेरे पास यूरोप के अंदर, क्योंकि पैसा तो आपने ऑलरेडी खराब किया है। कोशिश है कि वहां पर आपको स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन मिल जाए। स्कॉलरशिप का मींस ये है कि आपको वहां की जो स्टडी है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जो आपके परसेंटेज है। एक तो मैं ये एक फेवर करूंगा, लेकिन मेरी फीस है फ्री में नहीं है, फीस लूंगा मैं आपकी, लेकिन कोशिश यही रहती है, ठीक हाँ कोशिश यही रहती है कि मैक्सिमम जो फीस है मेरी 80 से 90% वीजा के बाद में ही लेते हैं, जब आपने मुझे रजिस्टर करना दैट टाइम आई विल टेक इट, उसमें डालेंगे। लेकिन इससे बेटर कंट्री मिल जाएगी आपको, क्योंकि वहां पर पढ़ने के बाद सेटलमेंट के ऑप्शंस हैं, पोस्ट स्टडी परमिट है, पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं, इतने एक्सपेंसिव नहीं होगी, फ्री टाइप की मिल जाएगी। दूसरा, अगर पेड टाइप की करनी है, जहां पर आप अपनी फीस अफोर्ड कर सकते हैं, मेरे पास कंट्रीज हैं जिनकी फीस ये लेकर चलिए 2500 यूरो से लेकर 2500 यूरो से लेकर 9000 यूरो तक की है साल की। अभी ये भी देख लीजिए इनमें से कौन सी फीस आप अफोर्ड कर सकते हैं, उनमें भी मैं डाल सकता हूँ, वो शेंगन कंट्रीज मिलेंगी आप। इससे तो बढ़िया, इससे तो बढ़िया आप चाइना में पढ़ने के लिए चले जाते। चाइना तो अभी बंद है, चाइना तो अभी बंद है, चाइना में चले जाते, फ्री में सारी स्टडी मिल जाती, तुर्की में फ्री में मिल जाती आपको, थाईलैंड में बहुत जाते हैं नेपाली स्टूडेंट, थाईलैंड में फ्री में मिल जाती। तो यहाँ कहाँ आ गए यार, व्यंजन में जाना है। शेनगन में भेजेंगे, लेकिन फ्री आपको यूरोपियन कंट्रीज में मिलेगी, शेनगन में पेड मिलेगी 2500 से लेकर 9000 यूरो की, अगर शेनगन की अफोर्ड कर सकते हो इसमें फीस की। हाँ सर मेरे पास 2500 यूरो वाली बताइए कौन सी कंट्री है, तो मैं वो कंट्री आपको फिर सजेस्ट कर दूंगा आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, ये कंट्रीज में हम आपका केस डालेंगे। 2500 यूरो ट्यूशन फी वाला ठीक रहेगा। तो 2500 यूरो में हमारे पास आपको स्लोवाकिया मिल सकता है, ठीक। और पोलैंड भी है हमारे पास, लेकिन पोलैंड का वीजा रिजेक्शन ज्यादा है, लिथुआनिया भी है उसकी भी 2500 यूरो से स्टार्ट है, तो और भी 3-4 कंट्री है, वो मैं आपकी प्रोफाइल और अच्छी तरह देखने के बाद मैं सजेस्ट करूंगा कहाँ पे आपका केस हमने डालना ठीक। है। तो प्लस मेरी फीस अपनी भी रहेगी, रोकी मेरी भी फीस रहेगी जब वीजा आएगा। ठीक है कोई बात नहीं। ठीक पहले मैं 1500 है कोई बात 1500 1500 रुपये पहले लेता हूँ अप्लाई करने का, 15,000 ठीक है कोई बात नहीं है। वीजा वो लग क्या कहते हैं उसको, INR लेता हूँ, INR, जाएगा। INR पता है पता NR नहीं लेता। है हाँ बिल्कुल ख्याल रखना है, क्योंकि नेपाली स्टूडेंट मेरे पास बहुत हैं, काफी बच्चों का काम करता हूँ। और बताइए कुछ रोकी जी। सब वही हमारा वीजा लग जाए। अब नहीं वही है कि इधर से हमको कहीं पे सेटल कर दीजिए और क्या यूरोप सेटल, देखिए में। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, ये ख्याल रखना है, बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, यहाँ पे आपके पर्सनल नाम पे हो या आपके फादर मदर के नाम पे हो, यहाँ पे जहाँ से आपने वीजा अप्लाई करना। अभी बैंक स्टेटमेंट है नहीं आपके पास, फिर आप फंसे रहेंगे यहाँ पे शारजा के अंदर ही। बैंक स्टेटमेंट कहाँ कैसे अरेंज करोगे, मंगा लोगे पैसे आपके ओरिजिन से, कंट्री से ना, ओरिजिन कंट्री से नहीं ओरिजिन चल, कंट्री। ना ओरिजिन कंट्री से नहीं चल पाएगा, जहां से आपने वीजा अप्लाई करना है उसी कंट्री की चाहिए। तो हमारा अब मतलब कार्ड आने के बाद हमारा अकाउंट खुलेगा। अब कार्ड आने के बाद तब अकाउंट खुलेगा तब। हाँ उसके अंदर 7000 से 8000 यूरो भी दिखाने पड़ेंगे, उसके इक्विलेंट के दराम आपको दिखाने पड़ेंगे, ये समझ गए। ठीक है ठीक है। अच्छा एक और, हाँ रोकी जी, एक आपसे मैं थोड़ा सा फीडबैक लूंगा, आप क्या रिकमेंड करते हैं दुबई आने के लिए स्टूडेंट्स को, आप तो यूएई में ऑलरेडी हैं, बताइए सच सच बताइए आप। नहीं रिकमेंड करते हैं कोई भी दुबई में आए पढ़ने के लिए। चलो ठीक है, आप तो चलो बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है और आपने बिल्कुल ट्रुथ बताया है, इतने पैसे भी खर्चे हैं, 3300 US डॉलर की फीस है, वीजा के 1200-1300 US डॉलर दिए होंगे, एजेंट ने भी फ्री में नहीं भेजा होगा, उसने भी मेरे जैसे ने पैसे तो जरूर लिए होंगे। तो ठीक है सर रोके जी, बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके, फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कभी भी मुझे वो सेम व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं। तो आप सितंबर इनटेक में शेंगन कंट्रीज में जाना चाहते हैं तो मैक्सिमम कंट्रीज के पोर्टल ओपन हो चुके हैं, इमीडिएटली डिसीजन लेके मुझे वहां पे संपर्क करो, ठीक है सर। ठीक है ठीक ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है। थैंक यू सर।